मौका खास है, राठौर परिवार में सेलिब्रेशन हो रहा धमाकेदार है। क्रिसमस आ चुका है, मौका भी है और दस्तूर भी, तो आज राठौर परिवार में क्रिसमस बैश होस्ट किया गया है। देखिए सच धज कर कैसे सभी पार्टी इंजॉय करने के मूड में है। लेकिन 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 होल्ड ऑन, माहौल जितना खुशनुमा दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि ये राठौर परिवार है, यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन नॉर्मल होता ही नहीं है। अब ये तो हम सब जानते हैं ना कि परी के अंदर मोहना के प्राण आ चुके हैं और वो पूरे राठौर परिवार को परेशान कर रही है। ऐसे में ये क्रिसमस पार्टी परी का ध्यान भटकाने के लिए ही रखी गई है। ड्रामा के बीच में सेलिब्रेशन हो रहा है, यही खासियत है राठौर परिवार की कि गम चाहे जितने भी हो हम फेस्टिवल मनाना नहीं भूलते। तो इस बार परी के अंदर मोहना आ गई है और हमें इस बारे में पता चल चुका है, तो हम उसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन की पार्टी रखी है। और बस हम ये पता लगाना चाहते हैं कि मोहना ऐसा क्यों कर रही है और वेदश्री को भी उसने जो इंजर किया है वो क्यों किया है। परी का ध्यान भटकाने का ये आइडिया तो काफी इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग भी, लेकिन टेंशन की बात तो ये है कि राठौर परिवार की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, क्योंकि लाख जतन करने के बाद भी ये लोग परी को ठीक करने का तरीका ढूंढ नहीं पा रहे हैं। नहीं, फिलहाल तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा, और प्रोफेसर निशांत मेरे जो बाबा हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि परी में जो मोहना की प्राण है वो कैसे वो अलग कर सकते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट्स चालू है। आज तक मोहना ने राठौर परिवार को खूब परेशान किया है, राठौर्स ने भी मोहना की हर साजिश का डटकर सामना किया है, लेकिन इस बार मोहना ने परी को अपना मोहरा बनाया है और परी की ये हालत देखकर पूरा परिवार भी काफी परेशान है। घर में बहुत टेंशन है, तो अंश और पिया के लिए डेफिनेटली बहुत ही टेंशन वाली बात है। इनफैक्ट सभी के लिए बहुत ही टेंशन वाली बात है, क्योंकि परी जो इतनी मासूम बच्ची है उसमें अगर मोहना उसे कंट्रोल कर रही है तो वो डेफिनेटली सही बात नहीं है और अच्छी बात नहीं है, और हमारे पूरे परिवार को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इनफैक्ट हो भी रहा है, क्योंकि वेदश्री बेहोश हो गई है और वो वेदश्री को मारने की धमकी दे रही है। और एंड बिसाइड ऑल ऑफ दिस, सीबीआई ऑफिसर को ऐसा लग रहा है जैसे अंश और पिया ने ये सब किया है। वहीं मोहना ने परी के जरिए अपनी दूसरी चाल भी चल दी है। परी ने वेदाश्री को अपने जाल में फंसा लिया है और उन्हें टॉर्चर भी कर रही है। वेदाश्री को बचाने के लिए वंश और पिया आते हैं, लेकिन वंश भी परी के जाल में ही फंस जाते हैं। अब सिचुएशन ऐसी हुई कि परी ने मतलब मोहना ने वेदश्री को मारने की कोशिश की, और कोशिश के दौरान मुझे करंट लग गया बचाने के चक्कर में, और करंट जब लगा और जब हम माँ के पास वापस गए तब सीबीआई ऑफिसर को ने हमें देख लिया और उन्हें ऐसा लगा कि हम ना कि बचाने के लिए बल्कि मारने के लिए वेदश्री के पास गए। भाई ये ड्रामा तो चलता रहेगा, अब जरा सीक्वेंस से हटकर बात कर लेते हैं। इस टेंशन भरे माहौल में भी अंश और पिया ने पार्टी के लिए रेडी होने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपने फैशन से दोनों बिजलियां गिरा रहे हैं। तो चलिए इनसे इनके पार्टी लुक के बारे में भी जान लेते हैं। ये मेरा जो नेटेड साड़ी है विद different kind of a blouse, I don't know what to call this, some kind of tickly only I guess, and bangles, and my hair is very different, it's a bun and I've done a heavy eye, smoky eyes, and earrings, diamond earrings. This is very classy look actually, like a navy blue suit hai, bahut hi classy suit hai, jisme bahut hi acche patte hai. और ये ब्रोच है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, जिसमें एंकर लगा हुआ है, बटन है, और या दिस वेरी इंटरेस्टिंग। वेल, ये पार्टी तो है काफी धमाकेदार, और मोहना की मोहरा बन चुकी परी भी इस पार्टी में काफी धमाके कर रही है। अब देखना ये होगा कि राठौर परिवार परी को ठीक करने के लिए कौन सा टोटका अपनाता है। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।